सो हाउ आर यू एस्पिरेंट्स, कैसे हो बच्चों? सो होपफुली आपका सी सेट का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, अभी पीडीएस से पढ़ा होगा, अपने माइक्रो कोर्सेज किए होंगे। सो नंबर सिस्टम, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि नंबर सिस्टम तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन की आपको टाइम लग रहा है। ये लेंथी पेपर था, ये कोई ऐसा पेपर नहीं था कि उड़ने वाला, ये समझ के करने वाला क्वेश्चन था, और वही बच्चा कर पाया होगा जिसके बेसिक्स बहुत बढ़िया रहे होंगे। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आपका सी सेट का पेपर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। देखो जैसे जीरो है ना, जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, जीरो था। अब ये क्या था, सी एच डन। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां क्या हो रहा है, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री और प्लस थ्री। तो जब आप प्लेयर में प्लस थ्री करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर था, डन। तो आपने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ हर डिजिट में प्लस थ्री कर देना था और इसका आंसर बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अब क्या दिया है, देखो ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ सेम एज, ए इज यंगर, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा ई है, एफ इज द यंगर टू डी, एफ इज ओल्डर देन, देखो ए इज ओल्डर देन बी, भाई ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है। सी बराबर है किसके, डी के दिया हुआ, अच्छा ई इज यंगेस्ट मतलब ई सबसे यंगेस्ट है, ठीक है बच्चों। एफ इज यंगर देन डी मतलब डी बड़ा हुआ किससे, एफ से, डन। एफ इज ओल्डर देन ए, और एफ क्या है, ओल्डर देन ए है, सो क्या ये बन गया मेरे पास, ये बताओ मुझे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन इन द, भाई देखो सारी की सारी ऑल फाइव इज दैट, सारी के सारी जो इक्वेशंस है वो काम आएंगी। रीजन क्या है इसका, क्योंकि अब आपको क्या करना है, एफ इज देखो सीधी सी बात है, पहली इक्वेशन ने बताया भाई ए और बी का रिलेशन, ठीक है, सी ओ डी इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे सी ओ डी मेरे पास क्या दिए हुए हैं, सी ओ डी मतलब हो क्या रहा है, या तो सी या तो डी, दोनों में से कोई एक होगा, सी बराबर सी ओ डी बराबर होंगे, ठीक है। ई इज यंगेस्ट, तो ई भाई सबसे यंगेस्ट है, तो ई डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं, हर बंदे का रिलेशन नहीं पता, मैं नहीं बता सकता कि भैया सबसे बड़ा कौन है। तो आंसर कितना आ गया, ऑल फाइव, डन। चलिए जी, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स, देर आर फाइव मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली, व्हाट इज द रिलेशन टू ई टू बी, मतलब मुझे ई और बी का बेसिकली रिलेशन यहां पे बताना भैया क्या है, ठीक है। देखो क्या दिया, ए एंड बी आर मैरिड कपल, मतलब ए और बी मैरिड कपल हैं, बट ए और बी का मुझे एक्चुअली नहीं बताया भी मेल कौन है फीमेल कौन, बस हस्बैंड वाइफ इतना बताया, ठीक है। डी इज फादर ऑफ सी, मतलब डी क्या है, फादर है किसका, सी का, सिर्फ इतना बताया गया। ई इज डी इज सन, मतलब ई क्या है, सन है किसका, डी का, ठीक है भाई। और ए एंड सी आर सिस्टर, देखो ए एंड सी आर सिस्टर है, सो ए यहां पे आ गया, ए एंड सी आर सिस्टर्स, चलिए मतलब फीमेल, सो बी क्या हो गया, हस्बैंड हुआ इस केस में, ये हस्बैंड वाइफ हो गया, डन। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या चाहिए भैया, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट स्टेटमेंट थ्री, मतलब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगी, सो ऑल फोर स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का, डन। चलिए जी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो भाई देखो इसमें बहुत सिंपल था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन तीन, ये तीन के तीन सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ चौथा ऐसा है जिसके अंदर 91 की मेरा क्या नहीं है, प्राइम नहीं है, बाकी सब में प्राइम चल रहा है, इसमें प्राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या था, सिंपल था, डी, कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन वट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इन टू आर प्लस एस। देखो जब भी वो ग्रेटेस्ट की बात करेंगे ना, और पी क्यू आर एस एक सिंगल डिजिट नंबर हो गया, आपको पता है जीरो से लेकर उधर, तो मैं ऐसे ले लूँ, ये नंबर ले लूँ 6 7 8 9, तो भैया क्या होगा, 6 + 7 और 8 + 9, ये कितना हो गया, 13 × 17 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 221, बिल्कुल सिंपल था, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि एक्सपेक्टेड था बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे और ये उन्हीं में से एक था। चलिए
चलो बेटा, अ नंबर एन इज फॉर्मड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ एन इज डिवाइडेड बाय 13। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ मुझे जरा, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। देखिए अब खुद सोच के देखो, जरा सोच के देखो, अगर मैं बात करूं अ नंबर एन इज फॉर्मड बाय राइटिंग 9 फॉर 99, देखो अगर मैंने 9 को डिवाइड किया 13 से, ठीक है, तो ये मेरा रिमाइंडर आया इस केस में, ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिमाइंडर थे होंगे, बहुत ज़बरदस्त अच्छे क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। चलो मैं 99 को डिवाइड करता हूँ 13 से, तो 13 सत्ते 91 आएगा, इस केस में 8 मेरा आएगा रिमाइंडर, ठीक है जी, 13 सत्ते 91 तो 8 आ गया, ठीक है। अब मैं 999 को करता हूँ, देखो इसको मैंने किया 13 से, सो 13 सत्ते कितना होगा मेरे पास 91, 8, 9, तो 13 छके कितना हो गया 78, कितना बचा मेरे पास 11, तो क्या 11 रिमाइंडर बच गया, यस। नेक्स्ट देखो, अगर मैं करूं 1, 2, 3, 4 इसको करूं 13 से, ठीक है, सो 13 सत्ते 91, 8, 9, 13 छके 78, ठीक है, 119, तो 13 गुना 9 कितना होगा 117, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया 2, ध्यान देना जरा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3, 4, 5 इसको अगर मैं करूं 13 से, ठीक है, वैसे तो 2 बचा 9 जाएगा तो 26 और 3 बचेगा इस केस में, ठीक है। देखो यहां तक तो कर ही लिया, 2 बचा, एक 9 उतरेगा, इसको 13 से करोगे तो कितना आएगा +3, ठीक है, +3, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इसको जब मैं 13 से करने जाऊंगा तो यहाँ पे 3 तो पड़ा ही है ना, 1, 9 उतरेगा 39, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया 0। अब यहाँ से आप क्या समझते हो, कुछ सोचो, देखो यहाँ से मैं क्या समझ रहा हूँ कि जब मैंने सीक्वेंस देखा तो सीक्वेंस क्या बना मेरे पास, सो व्हाट इज द सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस क्या है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो पहले कितना है रिमाइंडर को देख लें भाई, पहले कितना रिमाइंडर है 9, फिर कितना है 8, मतलब 9, 8, फिर कितना है 11, फिर कितना है 2, फिर कितना है 0, मतलब क्या यही रिमाइंडर बार बार रिपीट होंगे, यस। कितनी बार जा रहा है भाई 99, तो यानी 1, 2, 3, तो आंसर कितना आएगा मेरा 11, बिकॉज यहाँ पे यही एक मल्टीपल बैठता है जो 99 का मेरे पास पॉसिबल है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए भाई, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट इज 1 इफ मल्टीपल इट सेल्फ, वट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ रिजल्टिंग। देखो इसका मतलब ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, देखो भाई ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है, कितना हो गया 81, 81 का एक ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें नहीं टाइम लगाना, देखो ये है अच्छा क्वेश्चन, वट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 to 100, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है करने वाला। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई एक की, ठीक है, मैं बात करूँगा पहले एक की, एक को देखते हैं, देखो पहले 10 में आएगा, फिर 11 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, ठीक है, फिर किस में आएगा 21 में आएगा, 31, 41, ओके, और किस में आएगा 51, 61, 71, 81, 91, डन। फिर किस में आएगा मतलब यहाँ पे एक कितनी बार आ रहा है, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्या एक मेरा 20 बार आ रहा है, खुद सोच के देखो, ठीक है। अगर मैं इस 100 को हटा दूं, बिकॉज 100 में एक के सिवा कोई नंबर नहीं, 0 तो मुझे लेना ही नहीं, समझ आ गई बात। इसके बाद अगर मैं एक ही बात करूं, 2 कितनी बार आएगा भाई, 19 बार आएगा, डन। इसको मैं लिखूंगा कैसे, 20 गुना 1, इसको क्या लिखूंगा 19 गुना 2, 3 कितनी बार आएगा वो भी 19 बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा वो भी 19 बार आएगा,
पाँच कितने बार आएगा वो भी 19 बार आएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊँगा मैं, 9 कितने बार आएगा 19 गुना 9, लास्ट यही होगी क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 + 19 × 1, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब देखो ये कितना बना मेरे पास, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, ये देखो 19 गुना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 19 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 और सम कहाँ तक है 9 तक, और ये है मेरा प्लस 1। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर है वो 19 का मल्टीपल है और एक मेरा रिमाइंडर। सोच के देखिए, दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये देखो पेपर ऐसा नहीं था कि आप गए क्वेश्चन ऐसे, ऐसा बिल्कुल भी पेपर नहीं था। पेपर था कि आप जाओ शांति से सोचो, कट ऑफ इतनी हाई नहीं रहने वाली, कन्फर्म। अच्छा पेपर था, बहुत ज़बरदस्त पेपर था, डन। तो आराम से सुदन काम वाला पेपर था, ये कोई हड़बड़ाहट मचाने वाला पेपर नहीं था। पहले बताया गया था कि आराम से पेपर करना है, डन। देखो अगर आप इसको ऐड भी करोगे ना, देखो 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 36, ओके 30, 35, 4, 39, 3, 42, 42 और 2 कितना हो 44 और 45, तो 19 × 45 + 1, तो ये कितना हो गया 20 − 1 × 45, तो ये कितना हो गया भाई 900 − 45 + 1, तो 855 + 1 = 856, तो यही आंसर था। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इनको 19 से डिवाइड करके देख लेते तो यही आता, 855 पूरा जाएगा, 856 द राइट आंसर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट एक्स बी ए पॉसिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 / x, मतलब 7x + 96 / x। अच्छा एक बात आओ अगर मैं आपको एक बात बोलूं, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके कोई फायदा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। इसका मतलब क्या मेरे पास अगर मैं 7x + 96 लेता हूँ, अगर ये x से डिविजिबल है, समझिएगा इस बात को, व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब x 7 में भी है, 7 के बाद जो x बटा मान तो x है, इस 96 में भी x होना चाहिए, कॉमन सेंस तो यही बोलती है। इसका मतलब 96 के फैक्टर क्या है, देखो 1 × 96, 2 × 48, 3 × 32 है भाई, 4 × 24 है, ठीक है 5 से नहीं कटेगा 6 से कटेगा, 6 × 16 है, ओके 8 × 12, फिर तो क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी 12 आ गया, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर होने वाले हैं, एक्स में से कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ प्लीज़ मैं, ये क्लियर हुआ ना बच्चों, चलिए चलिए होपफुली क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो 3 of the 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी आर इवन, देखो मतलब पी क्यू आर एस एन टी 5 इंटीजर्स हैं, इनमें से कोई 3 तो पॉजिटिव है, मतलब 3 आपके पास पॉजिटिव मीन्स 3 आर इवन, तो डेफिनेटली 2 क्या होंगे मेरा सॉड होंगे, डन। देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, कंसिडर द फॉलोइंग, देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है स्टूडेंट्स, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस ऑफ टी इज डेफिनेटली इवन। देखो मैं पहले क्या मानता हूँ कि ये मेरे पास तीनों के तीनों इवन है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है ऑड, डन। अगर ऑड को मैं ऑड से प्लस करूंगा या माइनस भी करूंगा, जैसे माइनस 3 - 5 तो ये आएगा इवन आएगा, सो इवन माइनस इवन क्या हुआ, तो भाई पहली स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है। अब अगर पहली ये है तो दूसरी कैसे हो सकती है, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो डेफिनेटली दूसरी फॉल्स होगी इसमें, सो ओनली वन आएगा मेरा आंसर, डन। चलिए अच्छा क्वेश्चन था काफी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलो कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम पी एंड कॉम्पोजिट नंबर पी, प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, फैक्टर बन जाते हैं इजीली। करिए क्वेश्चन, देखिए मैं कहता हूं कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड, देखो प्राइम नंबर कौन से होंगे मेरे पास, पहले ध्यान से देखो 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, कॉम्पोजिट नंबर 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, जो आपने लेना है यहाँ से कोई भी उठा लो, मैंने थोड़े बड़े नंबर उठाए हैं ताकि दिक्कत ना हो, मैंने 2 का फैक्टर इसलिए कोई छोटे वाला 4 नहीं लिया मैंने। अब देखो ये कह रहा है
पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी इज इवन, तो 2+6 अपॉन पी थोड़ा बड़ा ले लो 7 ले लो। देखो कैन बी का मतलब क्या, क्या हो सकता है? देखो कैन बी का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार भी होगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैन बी का मतलब हो गया तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 2-6 मैं माइनस प्लस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इवन और ऑड की बात करूंगा, दैट्स इट। माइनस को इसमें थोड़ा छोड़िएगा, तो एक इधर 8/4 2 आ गया, यस। तो भाई इवन हो सकता है, ठीक है। मैं इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेके चलूंगा इसमें, ठीक है। 2p+c यानी 2 × 2+c कितना 6, तो ये कितना हो गया 4 × 10 हो गया, चलो जो इवन आ गया। बट कैन बी ऑड, ऑड हो सकता है। देखो अब मुझे ध्यान से देखो, कॉम्पोजिट नंबर मैंने ऐसे लिए ना, मतलब सारे के सारे जो कॉम्पोजिट नंबर है मेरे पास, सारे के सारे मेरे पास इवन नंबर होंगे बेसिकली, मैं अगर बात करूं। अब p मेरे पास क्या है, p मेरे पास ऑड नंबर होगा बेसिकली, अगर मैं दो को भी छोड़ दूं, चलो मैं अगर दो को भी छोड़ दूं, आप कहोगे सर दो लोगे तो आएगा ही आएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल हमेशा इवन देगा, और इवन में इवन जोड़ोगे क्या आएगा, इवन। तो भाई ये तो हो गया फॉल्स, p × c कैन बी ऑड, यस p × c कैन बी ऑड। अगर मैं एक बार दूसरी स्टेटमेंट को देखूं जरा, जैसे मेरे पास क्या था, 2p + c था। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर कुछ भी ले लो, 17 ले लो, ये कुछ भी हो, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर जैसे मैं पहले कह रहा था, अगर मैंने कॉम्पोजिट नंबर 17 लिया, चलो ये मैं मानता हूं मेरे पास इवन भी है, तो इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड ही तो होगा, तो ये हो सकता है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट, डन। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भैया नंबर सिस्टम से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो 3-डिजिट नंबर ABC मल्टीप्लाई विद डी, मतलब हमने क्या किया, ABC को D से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास जो आया ना 37DD देखो बेटा खुद सोच के देखो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे मेरे पास कोई नंबर है ABC को मैं लेता हूँ 1, 2, 1 ले लिया मैंने, अगर मुझे यहाँ पे सपोज करो मुझे 4 चाहिए, या मैं 4 भी क्यों लूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 3 दिया हुआ क्वेश्चन में, कि ये मेरे पास है 3, 3, 2, 1 डन, या 3, 2, 6 ले लो, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, सी और डी। तो एक बात आओ, सी और डी बनाने की कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे, क्या डी मेरा 6 हो सकता है, यस। तो सी कितना होगा, 1 होगा, क्या डी मेरा 2 हो सकता है, यस। तो सी मेरा कितना होगा, 3, ये 3 हो सकता है, यस। ये कितना होगा, 2, बिकॉज मुझे इनका मल्टीप्लाई 6 चाहिए, समझा की बात। तो सी की कोई ऐसी पोजीशन मुझे लेनी पड़ेगी कि वो मुझे क्या दे यहां पे, डी। तो क्या सी मेरा 1 हो सकता है, सोच के देखो, अगर मैंने सी को 1 ले लिया, अगर मैंने सी को 1 ले लिया तो क्या हुआ मेरे पास, AB1 × D, तो यहां पे डी आ गया, यानी B × D भी मुझे क्या चाहिए, D चाहिए, समझ आ गई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ लिमिटेशन है क्वेश्चन में, कुछ लिमिटेशन है क्वेश्चन में। देखो मेरे पास क्या है, क्या मेरे पास, देखो ये नंबर कितना है मेरे पास, 37DD, मतलब अगर मैं तकरीबन लगाऊं 3900 से थोड़ा सा, 3800 से छोटा है ना, है ना, मतलब 3500 से बड़ा है, 0-0 तो कर नहीं सकते, अगर डी को आपने 0 पुट कर दिया फिर बचा ही कुछ नहीं आपके पास, डन। सो कोई ऐसा नंबर पुट करो कि आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाए, क्या करेंगे। देखो मेरे पास क्या, मैं मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ जा सकता हूँ मैं, अगर मैंने इसको 8 रखा तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 4, 8 × 4=3200 बन गया। सोच के देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ लॉजिक, एक सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको आने वाले एग्जाम में काम आएगा डेफिनेटली, डन। अगर मैंने मैक्स, देखो मुझे यहाँ पे ABC के टर्म्स में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है हमेशा, क्यों, मुझे 3600-3700 करीब चाहिए, तो क्या यहाँ पे 9 और 4 पुट किया जा सकता है, सोचिए देखो 9 और 4 किया जा सकता है, यस। सो अगर ये बन गया मेरे पास, डी मेरे पास 4 आया, ये मेरे पास आ गया 9-4 और मुझे चाहिए कितना, देखो ये कितना 4
37 मुझे उल्टा लिख दिया, मुझे एक्चुअली में ये नंबर चाहिए। सो सी की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, सी की वैल्यू एक हो सकती है, ये सी है और ये मेरा बी है। ए तो मैंने फिक्स कर दिया 9, ए को नहीं छेड़ने वाला, बी और सी की लड़ाई है, समझ आ गई बात। तो 4 एकम 4, अब यहां पे कितना चाहिए, क्या यहां पे भी मुझे एक पुट करना पड़ेगा? सोचे देखो, अगर मैंने एक पुट के दे तो 4 आएगा, या मैं क्या पुट कर सकता हूं, या मैं यहां पे बी को 6 भी पुट कर सकता हूं। 4 6 24, 4 6 24 2 आएगा, फिर ठीक है 9 6 9 6 36, 38 आ गए, गलत होगी बात, समझ आ गई बात। अब मुझे और कुछ करना पड़ेगा, देखो अगर मैं 9 डैश डैश लेता हूँ और इसको करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो मुझे कितना चाहिए 3 7 4 4, तो क्या मैं यहाँ पे 6 पुट कर सकता हूँ? यस, क्योंकि 6 चौका भी क्या होता है मेरे पास 24 4, यहाँ क्या 2। अब मुझे 4 चाहिए, क्या पुट करूँगा मैं, सोचे देखो। अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, 4 थी 12 2 14 4 1 9 6 36 37, तो आंसर कितना आ गया 3 7 4 4। भाई हवा में नहीं उड़ना थे क्वेश्चन, ये ऐसे लॉजिकल सेंस बना के करना थे हमने, तो आंसर कितना 7 3 10 4 14 4 18, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था, सल्यूट है भैया, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन डले हैं, जबरदस्त। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड द 6-डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। देखो इसको मैं लिखूं एक्स वाई जेड 000 प्लस एक्स वाई जेड, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 1 2 3 1 2 3 एक्स, मेरी मर्जी है, मैंने कुछ भी ले लिया, कुछ भी चूज कर सकते थे इसमें। सो अगर मैं इसे लिखना, जो मैं कैसे लिखूं 1 2 3 000 प्लस 1 2 3, अगर यहाँ पे 1 2 3 आपने कॉमन ले लिया, कितना बचा 1000 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1 2 3 गुना 1001, और इसके फैक्टर क्या होता है 7 × 11 × 13, तो आंसर कितना आ गया, ओनली का मतलब ही नहीं है, सिर्फ 7 11 13, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज इन अ फॉर्म अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। कैसे करेंगे जी क्वेश्चन को, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने किया 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, तो 5 बाय 5 का होगा, 5 बाय 5 का होगा, बना लेते हैं भाई फटाफट इसको। देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4, चलिए भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन, ये बन गया अपना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि भाई अब देखो ये वाला जो फेस है, सपोज करो मैंने ये फेस लिया, ये फेस फ्रंट वाला खाली है, इसके पीछे वाले जो क्यूब है वो होगी। देखो इसका मतलब अगर मैं इस फेस को हटा दूं, उस फेस को हटा दूं, यहाँ पे कितने क्यूब है, 5, कितनी बची 3, इस फेस पे आओ, ऊपर वाला हटेगा, ये हटेगा, कितनी बची 3, और यहाँ पे भी कितनी बची 3, तो आंसर कितना आ गया मेरा 27, बिकॉज मुझे आउटर उटर की सारी क्यूब्स हटा देनी है, तो क्या बचेगा, मतलब बाहर बाहर की एक एक लेयर्स निकाल दो, इधर से एक नया लेयर, इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, कितनी बची 27, डन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, टाइम एंड वर्क का, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 6, 16 and 12 days, सो टाइम ऑफ ए कितना दिया है 8 days, टाइम ऑफ बी कितना दिया है 16 days, टाइम ऑफ सी कितना दिया है 12 days, डन। तो भाई एलसीएम कितना आ गया इसका 48 ले लें, चलो 48 ले लो, 8 6 48, 16 3 48 और 12 4 48, डन। ए वर्क शुरू करते हैं मंडे को, बी शुरू करता है भाई ट्यूसडे को, और सी करता है वेडनेसडे को, डन। ए अलोन अगेन वर्क ऑन थर्सडे सो ओन, अच्छा नेक्स्ट डे भी वेडनेसडे थर्सडे को, मतलब दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज, 3 का ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। चलो पहली स्टेटमेंट क्या करे, द वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे, तो देख लेते हैं भाई। देखो अगर मैं 3 दिन का काम, देखो कितने मेरे पास 39 आ गए,
सॉरी, 3 दिन का काम कितना आ गया मेरे पास, 13, डन। सो इसको जरा लेके जाओ 39 तक, तो 9 दिन का काम कितना हो गया, 9 दिन का काम हो गया 39। 10वें दिन कितना काम होगा, 6। 11वें दिन कितना काम होगा, 3। तो इतना तो चाहिए, तो इसका मतलब 11 डे में पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, 11 डे में पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात सुनो, मंडे स्टार्ट किए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। कब शुरू हुआ काम, मंडे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ए वहाँ काम कर रहा है मंडे को, सो मंडे पहला दिन हुआ, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सो 8वां दिन मंडे होगा, 9वां दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे, 10वां दिन कौन सा होगा आपके पास, वेडनेसडे, और 11वां दिन क्या होगा, थर्सडे। यस, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, द वर्क विल फिनिश ऑन 10 डेज। नहीं जी, 11 दिन में खत्म हो रहा आंसर क्या है मेरा, ओनली ए, डन। तो टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऑल्टरनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, राज हैज 10 पेयर ऑफ रेड, मतलब 10 है उसके पास पेयर रेड, ठीक है, 9 पेयर वाइट, 9 पेयर है वाइट और 8 पेयर है ब्लैक, मतलब पेयर्स में है ना। अच्छा, तो टोटल ये कितने हो भाई, 20, 18 और 16, है ना। इफ ही रैंडमली पिक, छोड़ो इसको यहीं से हो जाएगा, इफ ही रैंडमली पिक शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर, मतलब उसने रेड चूज करने और एक एक करके करना है। तो बताओ, देखो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, कि पहली बार में उठाएगा वो क्या आएगा, वाइट, फिर दूसरी बार में वाइट, मतलब 18 बार वाइट आ सकता है और 16 बार क्या आ सकता है मेरे पास, मतलब 34 केस ऐसे बनेंगे शुरू के। सबसे बुरा केस लेके चल रहा हूं मैं कि आएगा ही नहीं। अब जब 34 के 34 केस निकलेगा क्या बचा मेरे पास, अब तो डेफिनेटली रेड ही आएगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 35वां भी रेड आएगा और 36वां भी रेड आएगा, तो 35-36 आंसर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी, आसान क्वेश्चन था। चलिए चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करें। इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 एंड 6 इज ओनली रिस्पेक्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। देखिए अब सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले नंबर ऑफ सिक्सेस की बात करो। देखो कितने बनाने भाई, 25, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं सिक्सेस की बात करूँ भाई, जब सारे के सारे 6 लगेंगे तो कितने केस होंगे, ठीक है। तो अगर उसने 4 छक्के मारे और एक सिंगल रन किया तो 25 हो गए, अल्टीमेटली यही करना है। वो क्या कर सकता है, 3 छक्के मार सकता है, 18 प्लस 7 25 हो गए। फिर वो क्या कर सकता है, 2 छक्के मारे और क्या कर सकता है वो, 12 और 13 यानी कितना हो गया, 25 हो गया। अब सिंगल एक छक्का मारेगा प्लस कितना हो गया भाई, 6 कम 6 और कितना बच गया, 19, 25 हो गया। मतलब यहाँ से मेरे कितने केसेस बनेंगे, नंबर ऑफ सिक्सेस वाले मेरे 4 केसेस डेफिनेटली यहाँ से बन रहे हैं, डन। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ फोर्स की बात करूँ मैं, जब सिर्फ और सिर्फ मेरे फोर्स लगेंगे, ठीक है, तो भैया क्या हो सकता है, 6 चौके मार सकता है प्लस 1, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 सिंगल ले सकता है, 4 चौके 16 प्लस 9 सिंगल ले सकता है, 4 तीय 12 प्लस 13 सिंगल ले सकता है, 4 दूनी 8 और अपना कितना हो गया, 17, ठीक है, इसको ना भी लिखूंगा तो चलेगा, बट फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, 1 चौका प्लस 21, तो यहाँ से कितने बन गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं सारे के सारे चौके या बोला मैंने, अभी मैं कंसिडर करूंगा दोनों केसेस, ठीक है, तो 10 केसेस बन गए, 4s and 6s, ठीक है। देखो अगर मैंने क्या किया, एक छिक्का मारा, 6 हो गया, कितने बचे, 19, तो क्या 4 चौके मार सकता हूँ, 16, 6, 22 प्लस 3, पहला कैसे बन गया, आराम से समझो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, देखो अगर मैंने 2 6s मारे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की बात चल रही है, धीरे धीरे, एक मिनिमम दूसरा मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम एक मिनिमम, डन, 12
तो 4 × 3 = 12 + 1 = 24 और 1 = 25। अगर मैंने 3 6 = 18 + 4 × 22, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं, 18 + 4 = 22 और 3 = 25, 16 × 6 = 22 = 25, ठीक है, 12 + 24 = 25। चलो अगर मैंने 4 मारे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो यहाँ से कितने बन गए भाई, 3। डन। क्या और कुछ केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं, सोच के देखिए, क्या और कोई केसेस मेरे यहाँ पे कंसीडर हो सकते हैं? अगर मैं बात करूँ तो 3 ही वे बने मेरे पास, तो कितने हो गए, 6 × 4 = 10 = 3 = 13। और कौन कौन से वेज मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल हैं, सोच के देखिए ज़रा, और कोई केस पॉसिबल है, प्लीज़ थिंक। सो देखिए, अब अगर मैं इनको सब उसमें तोड़ूं, जैसे देखो ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास कितने हैं, 4 + 6 = 10। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लियरिफाई करके मैं आपको बता सकूँ। देखो अगर मैं इनको लेके चलूँ, देखो यहाँ पे जैसे मैंने, अगर मैंने बात की 6 1 छक्का मारा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो 1 चौका ही मार सकते हैं, वो दो मैक्सिमम 4 है ना, 2 चौके 3 चौके और 4 चौके, तो यहाँ से 4 केस बन गए मेरे, ठीक है। यहीं पे कन्फ्यूजन आती है बच्चों को, वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, जब उसने 2 6s मारे तो वो क्या कर सकता है भाई, 1 चौका मार सकता है, वो 2 चौके मार सकता है, वो 3 चौके मार सकता है। डन। तो यहाँ से कितने केस आ गए, 3 आ गए। अब देखो इस केस में तो 1 ही बनेगा भाई, तो ये कितना आ गया, +1, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 14 10 4 14 3 17 18 केसेस हो गए। और एक केस कौन सा होगा, ऑल उसने रन करके भागे, तो सारे के सारे कितने केस हो गए मेरे पास, 18 और 1 ऑप्शन नंबर बी 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए भाई, देर आर 4 letters and 4 envelopes एंड एग्जैक्टली 1 letter इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 envelope विद द करेक्ट एड्रेस। इफ द लेटर्स आर रेंडमली इंसर्टेड इन टू द envelopes, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 letter गोज इन टू एन इनकरेक्ट envelope, देर आर ओनली 6 ways इन विच ओनली 2 letter कैन गो इन टू द करेक्ट envelope। कैसे करेंगे भाई, उसने बोला है करेक्ट भी होना चाहिए और इनकरेक्ट वाली बात ही भी करी है, ट्राई करो। देखो अब पहले वाली स्टेटमेंट है, देखो इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 letter गोज इन टू इनकरेक्ट, सरासर गलत है। देखो पी चार ने मैंने मान लिया, पी क्या हो, आर एस, देखो क्या हो सकता है, देर आर ओनली 6 ways इन विच 2 letter कैन गो इन टू द करेक्ट envelope। डन। देखो पहले पी को कंसिडर करो, पी के साथ क्या आ सकते हैं, पी क्यू, पी के साथ पी आर और पी के साथ पी एस। डन। 3 हो गए। क्यू के साथ क्या आ सकता है, क्यू आर और क्यू एस और बचा आर एस, तो कितने हो गए भाई, 6। ये बिल्कुल आपका देर आर ओनली 6 ways बिल्कुल सही है भाई ये आंसर आपका, ठीक है जी। चलो भाई, ओ सॉरी, इसका आंसर तो हमने लगाया नहीं, सो क्या आएगा इसका आंसर, ओनली 2। चलिए जी, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 × 7 = 89 / 91 = 95 / 96 इज डिवाइडेड बाय 100, कैसे करेंगे, 0 आएगा। देखो 85 × 87 × 89 × 91 × 95 × 96 / 100। देखो अगर मैं बेसिकली देखूँ, ये कितना हो गया, 17 पे गया, ये कितने पे गया, 20 पे, 5 से कटा, 5 × 4 = 20, 19 पे गया और 4 से क्या गया, 24 पे, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 0। जब सारा कुछ ही कट गया तो डिवाइड किससे करेंगे हम, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इफ द एक्सपेंशन। देखो जब यूनिट डिजिट की बात होती है ना, तो सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना, इसका मतलब 57,242 को छोड़ो, 2^9 = 7531 है, तो मेरे पास क्या है, 2^9 × 5 × 3 × 1 ऐसा कुछ है, 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4, हर चौथा अपने आप को रिपीट करता है इसका यूनिट डिजिट, तो 2^ लिखोगे 63 × 15 × 1, ये बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, या तो इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 6 = 900 और 45 कितना आ गया, 945, इसको 4 से डिवाइड कर लो, कितने पे गया, 800 गया, हटा दो, 145 / 4 कितना गया, 120 गया,
कितना बचा 25 बटे 4 कितना आ गया प्लस 1 टू रेस्ट बार 1 कितना होता ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर। तो जैसे मर्जी कर रहा था वैसे कर लेते कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, बस इसको 4 से तो डिवाइड करना था आपने। चलिए नेक्स्ट, ये है भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, इफ ए बी सी एंड डी एफ आर बोथ आर थ्री डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्स नॉन जीरो, स्पेशली याद रखना दे आर नॉन जीरो डिजिट सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ, देखो ए बी सी डी ई एफ कितने हैं भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी सी एंड डी एफ हमने को अपने को ऐड करके दे रखा, कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे, ट्राई कर सकते हैं करिए। देखो अगर मैं एक बात आपको ध्यान से बताऊं, मेरे को ए बी सी डी एफ दिए तो क्या मेरे पास सी प्लस एफ, देखो उसने नॉन जीरो बोला है ना तो डेफिनेटली सी प्लस एफ कितना होगा मेरे पास, क्या क्या होगा सोच के देखो, क्योंकि यहां पे कैसे आ सकता है, या तो ये 6 हो या ये 5 हो या 5 हो या 6 हो, बेसिकली मैं ऐसे ही करूँगा, बाकी मैंने क्यों ज़्यादा घुसना है, 8 3 3 8 जो मर्जी कर लो फिर तो बात ही खत्म है। देखो अगर 11 आ गया तो एक यहाँ पे आया तो क्या प्लस बी प्लस ई 10 होना चाहिए, यस 10 और 11, अगर ए प्लस डी भी कितना होगा भाई, ये भी 10 होना चाहिए, तो कितना हो गया आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 31, सिंपल एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चलिए डी इज अ थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर टू सम ऑफ द डिजिट्स इज लीस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस। देखो तीन डिजिट का नंबर है भाई, मैंने माना ए बी और सी है, वो कह रहा है द डिजिट इज अ थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू दैट ऑफ द सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मिनिमम चाहिए मेरे को। ये मिनिमम कब होगा, जब ए बी सी जो नंबर है वो छोटा होगा और ए प्लस बी प्लस सी ज्यादा बड़ा होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनका एडिशन इसे बड़ा होना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। जैसे मैं बात करूं 999 और ये कितना होगा 27, डन आ गई बात, इसको करके देखो। अब अगर मैं ऐसा कोई नंबर चूज करूं जैसे मैंने लिया 199, रेशो कितना आ गया 9 18 19, डन, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपका, अगर मैं बात करूं 190 10.45 या 10.5 के करीब इसका रेशो अगर आप लोगे। अगर जैसे मैंने नंबर लिया 189 और रेशो कितना आ गया 9 10 18, अगर 189 डिवाइडेड बाय मैंने 18 किया तो 10.5 आ गया, ये कम आएगा, एक मिनट सॉरी ये 10.5 नहीं आएगा, ये वाला आएगा 10.5 पूरा पूरा जहाँ तक लग रहा है। सो 180 प्लस 9 बटे 18, तो ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 0.5, डन, इसको करके देखो 190 प्लस 9 बटा 19, तो कितना आ गया बेटा मेरे पास 10 और ये थोड़ा छोटा आ रहा है। उसने क्या बोला है द 100th प्लेस एंड द यूनिट इज़ एट द 10th प्लेस, तो कितना आएगा मेरे पास, कोई भी ले लो, देखो यही वो नंबर्स हैं जहां से मेरा आंसर निकल सकता है। तो इन दोनों में क्या एंड में 109 109, क्योंकि इसके बाद आप जब आप लोग ना ज्यादा नंबर ट्राई करके ना देखते होते इतने बड़े एग्जाम में, ठीक है, तो 9 - 1 कितना होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर, होपफुली समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट अगेन नंबर सिस्टम, ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लाइंग ए बी विद सी डी रिजल्ट इज थ्री डिजिट नंबर डी एफ, मतलब अगर मैं ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर क्या आएगा डी ई एफ। अच्छा जी ऐसा दिया हुआ है, एडिंग डी ई एफ टू अनदर थ्री डिजिट नंबर, मतलब डी ई एफ को अगर मैं एक जी एच आई में जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टिंग नंबर इज 975। चलो जी अगर यहां तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन होती तो मैं कहता भैया ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट उन्होंने आगे आसान कर दिया, फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स इफ ई जीरो, देखो ई मेरे को जीरो दे दिया, मतलब ये कितना दे दिया मुझे जीरो, और एफ कितना दे दिया भाई 8, ई मेरे पास जीरो, यहां लिख लो जो जो है काम आएगा,
इजिकल टू जीरो, एफ इजिकल टू क्या आ गया आपके पास 8, ठीक है। अगर 8 है तो आई मेरे पास कितना आएगा, डेफिनेटली 5 आएगा, ओ सॉरी 8 7 आएगा, क्योंकि अगर आई मेरे पास 7 नहीं आएगा तो यह 5 कैसे आएगा, ठीक है। तो 8 7 15 5 1, तो डेफिनेटली एच मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। एच मेरे पास कितना आ गया 6, डी प्लस जी मेरे पास 9 है, डी प्लस जी मेरे पास 9 है। अब देखो डी प्लस जी का थोड़ा सा रहस्य में ही है कुछ, इसको जरा देखते हैं कैसे करेंगे। देखो डी प्लस जी क्या हो सकता है मेरे पास, 1 प्लस 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 प्लस 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 प्लस 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ओके 4 प्लस 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 5 4, वो तो फिर रिपीट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास देखो सिंपल सी बात अब ये उठती है कि क्या मेरे पास 8 आ सकता है, देखो 8 तो एफ है तो ये नहीं आ सकता मेरे पास, खत्म होगी बात। क्या 7 आ सकता है, 7 भी नहीं आ सकता मेरे पास। क्या मेरे पास 4 और 5 बता, क्या 4 और 5 और 3 और 6 में से कुछ है इसके अंदर, देखो एच 6 है तो भाई ये भी नहीं आ सकता। तो डी जी मेरे पास क्या आ गया 4 और 5, या तो डी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जी या 5 हो सकता है या 4 हो सकता है, ये चीज मेरे पास यहां पे कंफर्म होगी, डी और जी का जो रिलेशन है मेरे पास। ये बात होपफुली समझ आए, बिकॉज मुझे रिपीटेड टर्म नहीं लेनी है, याद रखना, वरना तो इनफिनिट नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे मेरे, बहुत सारे केसेस, इतने केसेस मैं कंसीडर नहीं कर सकता या कर सकती, समझ आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है मेरे पास, ये क्लियर हो गया। अब देखो अब यहां पे आओ जरा, डी और जी का रिलेशन कितना है, 9। अगर मैं जैसे डी मेरे पास 4 है और जी मेरे पास कितना है 5 है, फिर क्या हो सकता है 5 और 4, ये दो केसेस हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने पहले डी 4 लिया, बी का है कुछ मेरे पास डेटा, एफ दी है, एफ 8 है, देखो ए बी गुणा सी डी डी ई एफ, डी अगर मैंने क्या लिया, डी अगर पहले मैंने 4 ले लिया, मतलब डी ई एफ है, अगर मैंने 4 लिया भाई, ई कितना है 0 कन्फर्म है, और एफ कितना है मेरे पास 8, मतलब ये नंबर मेरे पास आना चाहिए 400 कितना 8, डन। अब दूसरी चीज देखो यहां से क्या दिया हो मेरे को, अगर मेरे पास ये 408 आना चाहिए तो एफ मेरे पास अभी है कुछ नंबर, डी मेरे पास है भाई 4, ठीक है। सो क्या क्या मेरे, देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो नंबर है यार जो आ सकते हैं मेरे पास, डन। देखो 9 को छोड़ दो, नहीं आ सकता, ठीक है। 8 एफ है, 7 मेरे पास आई है, 6 मेरे पास एच है, 4 5 6, तो डेफिनेटली ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या बचा, 3 2 5 1 6। अगर मैं ये भी ना लेता ना, यही से आंसर बता सकता था मैं, समझ आ गई बात। 9 तो बहुत बड़े नंबर है, इतना नहीं आएगा, क्योंकि करके देखोगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट मेरी फुलफिल नहीं होने वाली। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ 5 पी के ओ आर एस टी, 2 स्टेटमेंट ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। 2 स्टेटमेंट क्या करिए, पी एंड क्यू वॉज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, ओके पी एंड क्यू सिलेक्टेड, मतलब पी एंड क्यू सिलेक्टेड है ना, एटलीस्ट 1 आर एंड एस सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, वो कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। एटलीस्ट का मतलब क्या है, या तो आर हो सकता है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, और आर एस दोनों ही नहीं होंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि भैया नहीं होंगे। एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस टी वर सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, देखो अब कैसे ये ट्रू हो सकती है, कुछ सोचे देखो, अगर एटमोस्ट उसने पहले ही बोल दिया भाई आर और एस, एटलीस्ट 1 ऑफ आर और एस, मतलब आर एस दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते ट्रू। सो कैसे आप बोल पाओगे स्टेटमेंट, मेरे पास ऑप्शंस क्या है, एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, अब क्या होगा इसका आंसर, हाँ जी, क्योंकि उसने दूसरी स्टेटमेंट में साफ साफ बोल दिया, तो इसमें क्या होगा, नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6, कैसे करेंगे भाई बताइए। देखो 2 रेज़ टू पावर 192, देखे जरा, देखो 2 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 4 आ गया, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, 8 बटा 6 यानी कितना आ गया, 2 आ गया, 2 की पावर 16 बटा 6 कितना आ गया, 4,
इसका मतलब जब मेरे पास ऑड पावर है तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, दो। जब इवन पावर है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, चार। बाकी भी करके देख लेना, ये कितनी है भाई, ये है इवन पावर, तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी, प्लस 4। डन। तो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बट बेसिक्स के साथ। चलिए भाई, कंसिडर द सीक्वेंस, इसको जरा ठीक लिख लें, ए बी सी डैश डैश, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, लास्ट इज डैश ए बी सी डी। देखो मुझे हिंट क्या मिला, मुझे इस क्वेश्चन से हिंट क्या मिला कि मेरे पास यहां पे डबलिंग हो रही है, ठीक है, बट डबलिंग कौन सी है, पीछे से होती जा रही है। अगर मैं यहां पे डी रखूं तो डी की डबलिंग है, सी रखूं तो सी की डबलिंग है, देख लो सी की डबलिंग होगी, डी की डबलिंग होगी, यहां पे बी की, और सॉरी क्या था, ए बी सी, तो ये हो गया ए, तो यहां पे क्या आएगा, सॉरी यहां पे तो गिवन ही था मुझे, है ना, यहां पे कुछ नहीं था, थर्ड वाले में था, पांच पांच, ए ए ए बी बी, ए बी बी सी डी, तो ये आएगा ए, ठीक है, तो मेरा डी डी सी ए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए भाई, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इंटू 5 बाय 3 इंटू 7 इंटू 3। देन द क्यूबॉइड इज कट सेपरेटली इंटू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेसेस। बिल्कुल सही होगा, क्यों होगा बताता हूँ। देखो अगर मैं इसको बनाऊं, एक बड़ी सी क्यूब बना दे भाई, पहले 7 फेस वाली, बन गया, ठीक है। अगर मैं इसके साथ आपको ये बोलूं कि भाई ये वाली 3 वाली है और ये कौन सी है, कौन सी है, 5 7 5 और 3 सेंटीमीटर, 7 5, ठीक है, और उसके साथ कौन सी आएगी, 3 आएगी, 7 3 5, एक मिनट, 7, यहां मैंने गलत बना दिया, 7, ये 3 ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ यहां पे 3 आएगा, इसने क्या दिया, 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो 1 2, है ना, चलो जी, अब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बन गया इस डायग्राम, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, अब उसने 7 5 और 3 बोल दिया ना, 7/5, चलो जी 7/5 हो गई, 7/5 का नीचे वाला हो गया, ठीक है, 5/3 का ये वाला हो गया और 7/3 का मेरा ऊपर वाला हो गया, ठीक है जी। देन अ क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड वेरियस क्यूब्स ऑफ सेंटीमीटर, एक लेंथ 1 सेंटीमीटर, अब एग्जैक्टली 15 क्यूब्स, देखो मेरी बात सुनो, यहां पे 7 है, नो पेंट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने भी किया था, नो पेंट वाली कंडीशन कौन सी है, साइड साइड के 2 हटा दो, यानी 7 वाले में से 2 हटा दोगे 5 बचेगा, 5 वाले में से 3 हटा दोगे 2, 5 वाले में से 2 हटाओगे 3 बचेगा, और 3 वाले में से 2 बटाओगे 1 बचेगा, तो कितना हो गया 15, तो ये तो बिल्कुल सही है। देयर आर एग्जिस्टिंग स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, देखो 2 फेसेस कौन से होंगे, 2 फेसेस कौन से होंगे, नहीं भाई, 1 पेंटेड ब्लू एंड 1 विद ग्रीन, अब ब्लू ग्रीन कौन सा है भाई, इज पेंटेड रेड, 7 वाला ये है रेड, ठीक है, 5 वाला है अपने पास ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है,
देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड वेरियस क्यूब. अब सेकंड वाला सेकंड स्टेटमेंट क्या करें, देर आर एक्जैक्टली सिक्स स्मॉल क्यूब्स विद एक्जैक्टली टू फेसेस, वन ब्लू एंड वन ग्रीन. तो ब्लू ग्रीन वाले छः कैसे हो सकते हैं, अगर मैं बात करूँ छः हो कैसे सकते हैं मेरे पास, नहीं हो सकते. सो ओनली वन. डन, डायग्राम साफ साफ बता रहा है. चलो भाई, इन कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, बहुत लंबा चौड़ा बढ़ दिया भाई. अल्फाबेटिक ने रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजिशन ऑफ लेटर लेटर्स विल रिमेन अनचेंज. देखो भाई, पहले लिख लो इसको, आई एन सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई बी आई एल आई टी आई ई एस. ठीक है जी. अब उसने बोला यहां से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करना भाई. ठीक है, तो सबसे पहले क्या ए है इसमें, ए नहीं है, बी है, बी है. चलो जी, बी के ऊपर मैंने टिक्का लगा दिया. बी के बाद सी है, सी है. सो ई के सामने क्या आएगा मेरे पास, सी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास. सी हो गया, डी है, ए बी सी डी नहीं है, ई है. ई कितने मेरे पास, तीन, एक दो और तीन, मतलब आई के सामने ई, इसके सामने ई और यहाँ पे भी ई. ई के बाद एफ है, ई एफ नहीं है, जी है, नहीं एच है, एच है, ई एफ जी एच, तो यहाँ पे एच. आई है, बिल्कुल आई तो भर गया जी, एक दो तीन और चार और पांच आई. तो भाई एक आई, दूसरा आई, तीसरा आई, चौथा आई और पांचवा आई. ठीक है, ई एफ जी एच आई. जे है, नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब बचे कौन कौन से हैं, आई जे के एल, एल है, आई आई तक हो गया ना, जे कहाँ है, जे नहीं है, चलो एल है, आई जे के एल, तो ये वाले सारे पूरे हो गए. एम है, बिल्कुल है, एम एक ही है, बिल्कुल जी, एन है, एम एन ओ है, लेट मी चेक, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने बचे हैं, एक, चलिए छः बचे, एक दो तीन चार. ठीक है जी, कुछ मिस हो गया मुझे लग रहा है, कुछ कुछ डाउट लग रहा है मुझे, कुछ एक डाटा मिस हुआ है मेरे पास. बी सी ई ई ई एच, उसके पांच आई आगे, फिर एल एम, एल एम डबल एन है मेरे ख्याल से मेरे पास ना, हाँ दो एन है मेरे पास, दो एन है यहाँ पे, तो एक एन यहाँ पे, बड़ा लंबा छोटा सा क्वेश्चन है. चलो एन आ गया, उसके बाद मेरे पास क्या बचा, एन के बाद आएगा ओ. अच्छा ओ मैंने लिख दिया था पहले, ओ आ गया, अब लग रहा है मुझे ठीक. अब एन आ गया, ओ पी आर एस एस, मैंने एक वर्ड की डबलिंग कुछ करी है. चलो एक दो तीन चार पाँच, कितने रह गए, एक दो तीन चार पाँच. चलो आई एन सी ओ एम बचे, डबल एस है ना मेरे पास, जब बनेगी बात मेरे पास. बी सी ई ई ई एच पांच आई, एल एम डबल एन ओ, चलिए एम एन ओ. अब क्या बचा, पी एम एन ओ पी क्यू आर एस और एस और टी, बिल्कुल सही. मुझे लग रहा था शायद मैंने एक लेटर मिस किया. वो क्या कर रहा है, पोजीशन ऑफ द लेटर रिमेन सेम. देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही रिमेन सेम है, आई और आई की. आंसर इज, तो काफ़ी लंबा चौड़ा था. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्लियर, तो गलती नहीं करनी है. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. चलिए, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर 4 मीटर लेंथ
2.2 मीटर बैठ। चलिए भाई जल्दी से करते हैं इसको जरा, ये 4 मीटर और ये कितना है 2.2 मीटर, डन। ठीक है, ये इसको लिख लो 400 सेंटीमीटर आ गया, ये कितना आ गया 220, डन। 60 सेंटीमीटर और ये कितनी है भाई, टाइल की साइज़ क्या है, 140/60, 140/60 हैव टू बी लेड सच दैट द टाइल डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप टू नीचे द टाइल कैन बी प्लेस इन एनी ओरिएंटेशन। ठीक है जी, लग सकते हैं किसी भी ओरिएंटेशन में। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये 60 हो गया, तीन टाइल आ गई, ये कितना हो गया 140, यहाँ पे ये कितना होगा 140 और ये भी कितना 140, तो 1, 2, 3 तीन टाइल होगी, क्योंकि यहाँ से और मैं टाइल डाल ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, अच्छा जी और क्या कह रहा है वो, किसी भी ओरिएंटेशन में ये कितनी बची हैं 140, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ऐसे करके कितनी आ सकती है मेरे पास, अगर मैं ऐसे करके डालूं तो क्या तीन और आ सकती हैं 280, तीन तो नहीं आ सकती, 1, 4, 5 चौथी आ गई, पाँचवीं आ गई, छःवीं आ गई, ये एरिया किसी काम का नहीं है क्योंकि ये 60 से भी छोटा है और 140 में। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, ये कितना बच गया भाई 140 कितना हो 280, 120 बचा, तो यहाँ पे मेरी दो टाइलें ऐसे आ सकती है, तो सातवीं और आठवीं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9 कैसे आएंगी 8 आएंगी। ठीक है चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देर आर कुछ दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है, लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेट 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम ईच कंसीडरिंग ऑफ 2 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, 10 ग्राम का और 25 ग्राम का, ठीक है, और 50 ग्राम भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन्स, हाँ हो सकता है, मतलब कम से कम 7, कंसिडरिंग कैसे, देखो अगर मैं 50 का लेता हूँ, 50 हो गया, ठीक है 8, सो क्या मैं 10 के 2 ले सकता हूँ, 20 हो गया, फिर क्या करना पड़ेगा 2 के 4 हो गया 78, यस डेफिनेटली, अगर मेरे पास टू वेट 78 ग्राम यूजिंग दिस कॉइन कैन बी यूज एंड लेस, यस बोथ हो सकता है, सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है मेरे को, ए प्लस बी, ए इज नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, तो प्लस का मतलब क्या है मेरे पास, नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, या तो ना ही बराबर है ना ही छोटा है, तो डेफिनेटली ए ग्रेटर देन बी होगा। चलो जी पहले स्टेटमेंट ये कह रही होगी, ए माइनस बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, माइनस का मतलब क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो ए क्या होगा, स्मॉलर होगा और इक्वल भी हो सकता है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, डन। चलो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ए गुणा बी यानी ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब क्या हुआ इसका, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो ए, अच्छा फोर्थ क्या मेरे पास डिवाइड है और फिर मेरे पास क्या है प्लस माइनस, ठीक है चलो अब देखिए जरा, अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं ए मल्टीप्लाई बी, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं हम। अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट क्या करें डिवाइडेड वाली, ए इज नाइदर ग्रेट नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेट नॉर इक्वल का मतलब डेफिनेटली क्या होगा, ए लेस देन बी, और लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या क्या मेरी, ए प्लस वाई मीन्स नाइदर यानी ए इज इक्वल टू बी, डन। ये मेरे पास जो 5 स्टेटमेंट दी है उनको मैंने लिख लिया, डन। देखो सबसे पहले कहते हैं पी मल्टीप्लाई क्यू यानी पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यू हो गया, ठीक है स्टेटमेंट से, पी माइनस टी का मतलब क्या है, पी लेस देन इज इक्वल टू टी, दूसरे स्टेटमेंट टी डिवाइडेड बाय आर यानी टी लेस देन मेरे पास आर है, डन, और आर प्लस माइनस एस यानी आर किसके इक्वल है, मेरे पास एस के इक्वल है। चलो देखो यहां पे पी है, पहले पी को प्लॉट कर लो जरा, पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है, और पी क्या है लेस देन इज इक्वल टू टी है, और टी लेस देन किसके है
आर के, और आर किसके बराबर है भाई इसके, ये मेरे को सारा का सारा दिया हुआ है मेरा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आर वगैरह, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है। आर इज इक्वल टू किसके, यहाँ पे एस के, ये मेरे पास पूरा मेरा सिनेरियो है। देखो क्या कह रहा है, क्यू प्लस माइनस टी मतलब क्यू बराबर टी नहीं हो सकता भाई, पहली गलत है। एस प्लस क्यू यानी एस ग्रेटर है किसके, यस। देखो यहाँ पे सारा का सारा एस और आर है, अगर आर ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर है, तो सेकंड कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ सर्कल, वन ऑफ द देम से इट इज अ रिंग, द रिंग इज पास क्लॉक वाइज, चिल्ड्रन वन पासिस टू, चिल्ड्रन टू, चिल्ड्रन टू पासिस टू फोर, फोर पासिस टू सेवन। मतलब अगर मैं बात करूं कैसे होगा, पहले ने दूसरे को दिया है ना रिंग, ऐसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, मतलब हो क्या रहा है। द रिंग इज पास चिल्ड्रन वन पासिस टू चिल्ड्रन टू, चिल्ड्रन टू पासिस टू फोर, मतलब इनके अंदर डिफरेंस कितना आता जा रहा है, एक का, दो का, चिल्ड्रन फोर पासिस टू सेवन मतलब तीन का, फिर सात के बाद क्या आएगा, चार, ग्यारह, ठीक है। वो कह रहा है भैया कितने घुमाने के बाद एक के पास अगेन आएगी, तो देखो जरा, ग्यारह, पाँच, सोलह, सोलह छः बाईस, ओ सॉरी, सोलह छः बाईस, बाईस और सात कितना हो गया उनतीस, उनतीस और आठ कितना हो गया, उनतीस और आठ कितना हो गया मेरे पास 37। अच्छा 37 में कितना जोड़ूंगा मैं, नौ, 37 और नौ कितना हो गया मेरे पास 46 यानी छः, क्योंकि भाई टप गया, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ूंगा मैं, दस यानी कितना हो गया 16, 16 में कितना गया, 16 में कितना जोड़ा 11 यानी कितना हो गया 27, ठीक है। अच्छा 27 में 12 जोड़ूंगा कितना आ गया 39, फिर टपेगा ये, इसमें 13 जोड़ूंगा मैं कितना आएगा, अपना 13 जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा 52 यानी 12 पे जाएगी बात, 40 यानी 12 हो गया, 12 में 14 जोड़ूंगा मैं कितना आ गया भाई, 12 में 14 जोड़ेंगे 26 आ गया, 26 में अगर नेक्स्ट में 15 जोड़ दूंगा तो कितना 41 यानी पहले वाले बच्चे का दोबारा आ गया, तो कितना आया देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह, तो 18 आ गया इसका आंसर कि 17। अच्छा पहले वाला तो मैं गिनूंगा ही नहीं, पहले वाला तो ये आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 17, क्लियर। चलिए प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं बेटा। एक मिनट, कितना 17 के 15, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, एक दो चार सात ग्यारह सोलह बाईस उनतीस सैंतीस, फिर आ गया छ, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, सॉरी मैं ऊपर वाली डिजिट्स गिन गया, ये 15 आएगा ये मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी क्या आएगा इसका आंसर करिए। इफ इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी कॉमा पी मल्टीप्लाई क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, पी स्केयर इज ग्रेटर देन क्यू स्केयर, बताइए दो केसेस बनेंगे इसमें, कैसे बनेंगे वो देखेंगे अभी। देखो होगा क्या इसमें, आप पी और क्यू, देखो पी ग्रेटर देन क्यू का मतलब क्या, नेगेटिव भी तो हो सकता है भैया, कोई जरूरी थोड़ी ना, तो पहली स्टेटमेंट क्या करे, पी गुना क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्या ये होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है, माइनस थ्री टू ले लो, तो भैया ये तो खत्म होगी, तो पी स्केयर इज ग्रेटर देन क्यू स्केयर, कोई जरूरी नहीं है। देखो पी स्केयर को वो कह रहा है क्यू स्केयर, ठीक है, इसको ले लिया मैंने माइनस थ्री और इसको ले लिया माइनस टू, पहली वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी, दूसरे वाले में क्या नाइन ग्रेटर देन फोर, तो भैया क्या होगा, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, क्योंकि दोनों से मैं साफ साफ नहीं बता पा रहा। चलिए फाइव चिल्ड्रंस ए बी सी डी दिया हुआ भैया कि ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, डन, एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफरेंस बाय टू, यानी इनका दो का डिफरेंस है, इनका दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है और दो का डिफरेंस है। स्टेटमेंट वन, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज थ्री टाइम्स द यंगेस्ट, अगर मैंने इसको एक्स ले लिया ये कितना है एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, एक दो तीन चार पाँच पाँच। अब वो क्या कह रहा है भाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस एट कितना है मेरे पास वन बाय थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स इजिकल टू एक्स प्लस एट, टू एक्स इजिकल टू कितना आ गया एट, एक्स कितना आ गया मेरे पास
चार, अगर ये चार आ गया तो ये कितना आ गया 12, ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास 12। आप क्या बोल रहे हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड, पूछा क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अबव क्वेश्चन, क्वेश्चन के व्हाट इज द एक एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। देखो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास वो कह रहे थे एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स, क्या 8 होगी, डेफिनेटली होगी, ये होनी चाहिए, कोई भी केस कंसिडर करो एवरेज इनकी 8 ही आएगी, समझ आ गई बात। चलिए क्योंकि एज का डिफरेंस मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड आइदर स्टेटमेंट्स, अगर वो एज पूछ रहा है ना, एवरेज तो ठीक है, अगर वो एज पूछ रहा है तो पहली जरूरी है, क्या आएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी एक स्टेटमेंट को लेकर आप कर सकते हैं। चलिए चलिए भाई, पी इज अ प्रिंसिपल बिकम्स क्यू इन वन ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली व्हेन आर एनुअली रेट, ऑप्शंस ठीक है ना, ऑप्शन चेक करें इसके दोबारा एक बार, सॉरी सॉरी बी नहीं, मुझे लगा शायद ये वाली है, ऑप्शन नंबर बी आएगा सही इसका, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। चलिए वैसे बेसिकली इसका ये आना चाहिए कि एक के बिना तो मैं कर नहीं सकता, दूसरी है तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहीं से मुझे पता चल गया कि भैया सब कुछ है, वैसे तो ये आना चाहिए इसका, वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, बेसिकली इसका ना वन ही आना चाहिए आंसर, स्टेटमेंट वन अलोन आना चाहिए इसका, क्योंकि स्टेटमेंट वन ने ही मुझे बता दिया कि भैया देखो ये तो मेरे को गिवन है, ठीक है, बट अप्रोप्रिएट है ना जो लगाना पड़ेगा मुझे वो बी ही लगा सकता हूँ, अगर इसमें वन दिया होता तब मैं ये लगा देता, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो एंड आर परसेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू वन ईयर कंपाउंडेड एनुअल, देखो मेरी बात सुनो, जब आप हाफ ईयरली की बात करें तो वो कंपाउंडेड लगेगा, यानी आर जो मेरा है, आर परसेंट जो लग रहा है वो कंपाउंडेड लग रहा है, और जो मेरा ऐसे लग रहा है वो मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट लगे, बिकॉज पहले साल में सिर्फ और सिर्फ मेरा सिंपल इंटरेस्ट ही लेता है, कंपाउंड की तो मैं बात भी नहीं करता हूँ, ये बात समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास क्या होगा, जो पहली कंडीशन मेरे को यहाँ पे गिवन है ना, पहली कंडीशन के हिसाब से मेरे को क्या दिया हुआ है कि भैया पहले साल में हाफ ईयरली है तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो लग ही नहीं सकता, वहाँ पे क्या लगेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो वो मुझे कह रहा है सेकेंड में क्या लगेगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली मेरा एस ग्रेटर देन आर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय अनदर, मेरा किसका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सॉरी सिंपल नंबर सिस्टम का, देखो नंबर क्या होगा 1186 माइनस 31 यानी कितना 1155 ये होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे फैक्टर्स बनाओ क्या होंगे, 1 इंटू 1155 5 10 अपना दोबारा, सो 3 करो 3 3 9 1155 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, देखो 3 3 9 आ गया, अच्छा 2 बचा 2 8 385, अच्छा 5 से जाएगा 11, अगर इसको मैं लिखूँ 105, ठीक है, सो इसको कर दूंगा 5 से कितना आ गया 231, क्या 7 से जाएगा ये, बिल्कुल 11 गुना कितना है 105 बटे 7, तो ये कितना आ गया भाई 7 गुना 165 डन। सो क्या फर्दर कट रहा है, 9 से जाएगा ये, 3 से जा रहा तो 9 से भी ट्राई कर सकते हैं हम, देखो 3 9 से 105 कटेगा, 105 नहीं कटेगा, तो 11 से जाएगा, सो क्या ये 11 से तो चला जाएगा, सो क्या 9 से जा रहा है, नहीं, तो 11 गुना कितना आएगा 105 आएगा, ठीक है, तो क्या यही फैक्टर है मेरे पास इसके, इनको छोड़ के और फैक्टर है मेरे पास इसका, जस्ट ट्राई करो क्या इसको छोड़ के फैक्टर है मेरे पास, हो सकता है इसके ऊपर चलते हैं, देखो अगर मैं इसको लिखूँ, इसको फैक्टराइज कर दूँ मैं, तो 21 गुना 55 भी एक फैक्टर आ सकता है मेरे पास, 21 गुना 55 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन,
तो क्या थ्री निकलेगा यहाँ से? अगर मैंने यहाँ से थ्री निकाला तो ये कितना बचा यहाँ पे, 35 गुना 3, तो 33 गुना 35, तो क्या यही फैक्टर्स हैं मेरे पास? सात मोटे मोटे फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास तो, ठीक है। अब एक बात सुनो, उसने क्या बोला है, जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा ना वो 31 है, मतलब जो 31 है छोटे नंबर है उसे हटा दो, मतलब ये वाले कितने बचे, 1 2 4 5, ये बचेगा 6 7 8, तो आंसर कितना ऑप्शन नंबर सी, 8 इज द राइट आंसर। तो इसके फैक्टराइजेशन में ही सब कुछ था, दिख रहा लास्ट वाला आपको ना, बिल्कुल इसके फैक्टराइजेशन में ही था जो कुछ था, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4। मतलब देखो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, जो मेरा 1000 प्लेस है वो तो 1 रहेगा, उसको नहीं छेड़ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 आ गया तो 2 से बड़ा हो जाएगा। ये हो सकता है 1 2 3 4, अच्छा 1 2 4 3 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट लिखना चाहूँ 1 3 2 4 हो सकता है, 1 3 4 2 हो सकता है, 1 4 2 3 हो सकता है, 1 4 3 2 भी हो सकता है, यही 6 नंबर बनेंगे मेरे पास, इसको छोड़ के कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ये मेरे पास फिक्स है। तो कितना हो गया भाई, 4 3 7 4 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड में 8 सब में है, 4 7 4 11 18 8, तो 4 3 7 1 8 2 10 4 14 15 16 19 9 7 9, सो 9 एक ही में आ रहा है, 7 9 9 इज द 9 8 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलो, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10th डे, हाँ संडे 10th, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे भाई, 10 की पावर 10, मतलब अगर मैं ऑड डे निकालूं चलेगा काम? अगर मैं ऑड डे की बात कर लूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा? यस। देखो, अगर मैं इसे लिखूं 10 की पावर 2, इसकी पावर 5 चलेगा, और इसे कर दूं 7 से डिवाइड, तो ये कितना हो गया, 100 की पावर 5/7 हो गया, ये भी रिमाइंडर गया इनडायरेक्टली, तो ये कितना गया 98, यानी 2^5/7 बच गया, ये कितना बचा 32/7, यानी कितना बच गया +4, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, देर आर ट्रैफिक सिग्नल्स ईच चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड ग्रीन टू रेड, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड्स, तो 25 को कैसे लिखूंगा मैं, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है आपका, 39 को कैसे लिखूंगा मैं, दूसरा 39 में 13 गुना 5, नेक्स्ट को कैसे लिखूंगा मैं 60 3 गुना 5 गुना 2 की पावर 2, ये बात समझ आई। द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम एट 2 PM, देर आर टुगेदर टर्न ग्रीन, एट वट टाइम विल द चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है। देखो, अगर मैं इसका चुपचाप एलसीएम ले लूँ आंख बंद करके तो कितना आएगा, आंख तो नहीं बंद करनी है। देखो भाई, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 5 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 25 चौका 100 गुना 39, कितना हो गया 3900 हो गया, 3900 डिवाइडेड बाय 60 कितने मिनट हो गए, चिकम 36-65 मिनट हो गए, यानी बेसिकली होना कितने पे चाहिए था अपने पास, होना कितने पे चाहिए था, हाँ जी होना कितने पे चाहिए था, 65 पे, बट 65 गुना 2 करो कितना हो गया 130, यानी 2 घंटे 10 मिनट के बाद, इसमें 2 घंटे 10 मिनट, दो तो 4 बज गए 10 मिनट इज द राइट आंसर। चलिए, द क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स, मतलब ब्लैक बॉल कितनी अपने पास, डन, ब्लू कितनी है 20, ग्रीन कितनी है 26, येलो कितनी है 28, रेड कितनी है 38, व्हाइट कितनी है 54, डन। देखो पहले स्टेटमेंट क्या करिए, द स्मॉलेस्ट नंबर एन सच दैट एनी एन बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर ऑफ 175, मतलब कम से कम एक ग्रुप पूरा हो। देखो समझो, अगर मैं कहता हूं पूरा ग्रुप नहीं होता तो 13 लूंगा मैं, ठीक है,
ये 19 आएंगी, ये कितनी होगी 25 होगी, अच्छा ये कितना होगा 27 होगा, ये कितना होगा 37 होगा, और ये कितना होगा अपना 53। तो ये कितना होगा भाई 7 3 10 7 17 17 5 22 और 9 कितने होंगे 31 और 3 34 4 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 यानी 174 अगर मेरा सभी सिलेक्ट हो गए बट फुल ग्रुप कोई नहीं हुआ। इसका मतलब अगर किसी में भी से एक को उठा लेता हूं तो कितना हो गया फुल ग्रुप आ गया, तो कितना हो गया 175। क्लियर हो गया, चलो पहले स्टेटमेंट तो ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर एम सच दैट एनी एम बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज 167। अब ये कैसे करेंगे देखो समझो, ये तो समझ आ गया होगा आपको। देखो मेरे पास अब क्या था, देखो 14 ब्लैक बॉल है ना, अच्छा मिटा दिया सारा ही मैंने, ब्लू कितनी है 20 ठीक है, अच्छा ग्रीन कितनी है 26, येलो कितनी है 28, रेड कितनी है 38 और व्हाइट कितनी है मेरे पास 54। सपोज करो मैंने ये वाली ब्लैक बॉल नहीं ली, इन सबको बाकियों को ऐड करो 8 8 16 4 20 और 6 26 6 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 11 5 16 166 हो गया। इसका मतलब वो क्या कह रहा है एटलीस्ट वन बॉल, इसका मतलब आप ब्लैक में से अगर एक भी ले लोगे तो आंसर आ गया 167। यस तो आंसर क्या आ गया मेरा दोनों की दोनों, ठीक है भाई। तो क्या होएगा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए द क्वेश्चन इज एबीसीडी इज अ स्क्वायर 1.1 ऑन ईच ऑन एबी एंड सीडी द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ बीसी एंड डीए। चलो देखें जरा भाई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, डन। 1 पॉइंट ईच ऑन ए बी एंड सी डी, ए बी पे एक पॉइंट है और सी डी पे एक पॉइंट है, अच्छा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच बी सी एंड डी ए, यहां पे भी दो पॉइंट है और यहां पे भी क्या पॉइंट है दो पॉइंट है, डन। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी फाउंड, आपको अच्छे से पता है। देखो अब आपने ए बी सी डी को नहीं लेना, जो बीच में पॉइंट्स है ना इनकी साइड्स में उनको लेना है। तो भैया आपको पता है ट्रायंगल के लिए कितने चाहिए 3 पॉइंट, तो क्या आ गया 63 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल इनटू 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कितना हो गया मेरे पास 5, चूंकि कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, मजा भी आ रहा होगा है ना यार, अच्छा पेपर था मतलब बढ़िया, अच्छा लेवल बढ़िया था। देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड इन 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, देखो 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है मतलब 4 कोई फ्लैग है, ये 4 मेरे पास स्ट्रिप्स दी है 1 2 3 4 ठीक है। यूजिंग सम ऑफ और मतलब अपने पास रेड कलर है ग्रीन है और येलो है, मतलब रेड ग्रीन एंड येलो, मतलब मेरे पास कितने कलर है बेसिकली वी हैव 3 कलर्स, डन। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव सेम कलर हैव द, चलिए देखो यहां पे कितना आ सकता है 3 में से कोई भी आ सकता है, अब एक यहां पे आ गया, दो यहां आ सकते हैं, दो यहां आ सकते हैं, दो यहां आ सकते हैं, कितना हो गया 3 2 6 2 12 2 24 मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बताओ जरा क्लियर हुआ। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम थोड़ी सी भी डरे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देयर आर 5% पी के ओवर एसटी ईच ऑफ वन ऑफ होम एस टू असाइन वन टास्क, मतलब पी क्यू आर एस टी 5% है, नाइदर पी नोर क्यू असाइन टास्क वन, देखो पी और क्यू को टास्क वन नहीं दे रखी मैंने ठीक है, टास्क टू मस्ट बी असाइन टू आइदर आर और एस, देखो आर और एस को मतलब सबको अलग अलग टास्क है ना, सबको अलग अलग टास्क दी हुई है ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आर और एस की वाले बात सुनो, यहां पे एक नहीं हो सकता, इनमें से किसी को मैंने दो दे दी किसी को एक टास्क दे दी, समझ आ गई बात। तो मैं क्यों एक बात आओ, अगर मैं बात करूं क्या हूं पी क्या और टी, इनको कितनी टास्क मिल सकते 3 फैक्टोरियल वे में कर सकते हो आके ना, और क्या इसको एक बार 2 से गुना कर दे क्योंकि यहां पे भी 2 है, तो ये कितना हो गया 6 2 12 हो गया। अब 12 तो ऑप्शन में है भी, क्या सही आंसर है भाई, एक बात आओ अगर 12 यहां पे आ गया तो क्या टी को नंबर एक टास्क नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है। तो यहां पे क्या होगा 12 प्लस 12 जब टी को देंगे कितना आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 गलत था जी, 24 सही आंसर था इसका, समझ आ गई बात। तो ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था जो आपने किया है अभी अभी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं।
चलो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बताऊंगा आपको मैं। देखिए इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच फोर पेपर्स मेनली PQRS थी। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बता देता हूँ क्या है। मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट आर इन इंटीजर, अ स्टूडेंट कैन स्कोर 99 इन एन डिफरेंट वेज। वो कह रहे 99 कर सकता है, मतलब अगर मेरे पास चार पेपर है, हर पेपर का 100 है, तो हर पेपर में से अगर 99 की बात करूँ 396 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यानी हर पेपर में से एक नंबर कटेगा मेरा। मतलब मैं बोल करूँ PQR+S, यहां से कितने मार्क्स आएंगे मेरे, चार। अब फॉर्मूला देख लो क्या है मेरे पास, M+N-1C, और यहाँ पे क्या है मेरे पास N, धना की बात, PQRST, और ये मेरे पास क्या है N। अब N मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं N मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, N-1 है, तो यहाँ पे N-1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे M और N है क्या, देखो M मेरे पास क्या है, M मेरे पास होगा ये, N मेरे पास होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये कितना हो गया भाई 8-1C, ये कितना हो गया 4-1 3, 2 7, C3 मेरा सही आंसर है। फटाफट इसको कर लो, आपका 35 आएगा जहां तक लग रहा है मुझे। देखो 7 × 4 × 3 कितना गया 7 × 6 × 5 × 4 × 4 × 3 × 6, तो भाई 6 कट गया, 7 × 5 कितना हो गया 35। फॉर्मूले को याद रख लो, बस आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, डन। चलिए तो ये याद रखना भाई, N-1 जरा सा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सच दैट ऑर्डर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा 8 है, मैंने यहां से गिनना शुरू किया, मेरी फर्स्ट प्लेस है, मेरी सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये मेरी ऑड है, ये भी मेरी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है, ये भाई इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और ये इवन है। मतलब क्या कर सकता हूं मैं, चार ऑड है, चार इवन है, 1, 1, 2, 1, 1, और 3, 3 ऐसे कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। यहां पे क्या सकता है, 2, 2, 4 और 4, मतलब क्या है, ये कितने हो रहे हैं, 4 × 4 जो ऊपर की अरेंजमेंट है मेरी, और जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 4 × 3 × 2 × 2 × 4 × 3 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो गया भाई 3 × 6 × 6 × 6 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 36 सही आंसर इस प्रश्न का, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, मजा आ रहा है ना, बस लाइक शेयर कर देना भाई इसको अपने आप। चलो भाई व्हाट इज द मिडिल टर्म, ये है भाई, देखो मैं अगर बोलूँ ना ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे छोड़ के आ सकते थे, ज्यादा जबरदस्ती वाले मैक्सिमम छोड़ के भी आएंगे, बट अब देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो बहुत मतलब एपी का ना सारा कुछ ही पूछ लिया, एंथ टर्म पूछ ली, लास्ट टर्म पूछ ली, इन्होंने आपसे ये पूछ लिया कि सम ऑफ एपी कितना। देखो जरा भाई देखो क्या शुरू हो रहा है, 2z 3y, मतलब पहले 2 बार z है, 3 बार y है, फिर 4 है, जो मेरे 27 टर्म हो गए ना, ये कितनी बार आएगा भाई, ये आएगा 27 बार। अब आप कहोगे सर 27 बार क्यों आएगा, क्योंकि बेटा शुरू ही अगर एक से, जैसे जेड एक होता वाई दो होता, जब 26 7 कितना है 27, समझ आ गई बात। अब क्या करोगे, 27 × 2 कितना हो गया मेरा 29, कितने पेयर है 29 × 13, तो एक ही रहा कितना हो गया 13 × 39 390 − 13 387 हो गया, सॉरी 377, 390 − 13 377, डन। अब एक बात बताओ, उसने क्या बोला है, व्हाट इज द मिडिल टर्म पूछी है उसने आपसे, अब मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे, देखो इसके इसके इसमें कैसे निकाल लेंगे, 377 × 1/2, ये कितना हो गया 378 / कितना आ गया 2 आ गया, यानी कितना हो गया 189 हो गया, यानी 189th टर्म मेरी क्या होगी, मेरी मिडिल टर्म। अभी कैसे निकाल लेंगे, अब सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा n/2 × 2a + n − 1 × d, d कितना भाई मेरे पास, d मेरे पास 1 है, ठीक है, n/2 आ गया, 2 × 2 = 4 + n − 1 × d = 189, समझ आ गई बात। चलो भाई ये कितना आ गया, देखो मेरे पास n × 4 + n − 1 × d = 336, 378 आ गया। देखो अब n मुझे पुट करना है, इटन ट्रायल से मैं कर सकता हूं इसको, देखो फैक्टर अगर 18 पुट करता हूं तो 18 कितना आएगा,
देखो 18 कितना आना चाहिए, अगर मैं इसको लेता हूँ 18 गुना 21 आएगा, 18 दूनी 360 जमा, तो अगर ये 21 आ गया तो बिना काम बन गया, यानी डी बी कितना है मेरे पास, डी वन है, तो 4 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ गया 18 गुना 21, तो भाई 21 आ गया मेरे पास, तो 18th टर्म कौन सी होगी मेरे पास, 26 माइनस 18 प्लस 1 कौन सा हो गया बताओ जरा, आई आ गया, यही आंसर है, समझ आई बात कुछ। हाँ जी, ये क्वेश्चन था बहुत समझ के करने वाला, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक बार में पेन उठाऊं और इसको मैं कर दूं, तो कितना आंसर आ गया 18th, समझ आ गई बात। चलिए तो आई मेरा क्या आ गया 9 आ गया, तो यही मेरा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो पी प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन, देखो भाई क्या दिया है, पी प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो पी से भी गया, तो भाई टू क्यू ग्रेटर देन टू आर, तो यहां से मैंने क्या बोला क्यू ग्रेटर देन आर, क्यू ग्रेटर देन आर के पहले क्वेश्चन से वेयर, अच्छा यहां से तो आ गया, स्टेटमेंट वन क्या दिए पी माइनस क्यू इज पॉजिटिव, मतलब पी माइनस क्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो पी ग्रेटर देन क्या आ गया क्यू आ गया, पी माइनस आर इज नेगेटिव, यानी पी माइनस आर लेस देन जीरो, तो पी लेस देन आर आ गया। अच्छा अब क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, ठीक है अब देखो जरा, अगर p देखो सबसे पहली बात p ग्रेटर देन क्या है क्यू है, बट p लेस देन आर है, तो क्या ऐसा कुछ आ गया, अब क्या कर देखो इंडिविजुअली तो हम नहीं बता पा रहे, बट क्या क्यू लेस देन आर है और क्यू ग्रेटर देन आर है, सोच के देखो क्या ये हो रहा है, क्या ये हो रहा है सोच के देखिए एक बार, तो यहां से क्या पता चला स्टूडेंट्स कि मेरे को दोनों स्टेटमेंट चाहिए, है ना, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड आफ्टर यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, यानी बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ऑप्शन नंबर सी डन। चलिए चलिए भाई, अब पार्टी ये आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था, इन अ पार्टी 75% टुक टी, मतलब टी आ गया वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था कितना 75, 60% कॉफी 15% टू बोथ, 60% कॉफी और 15 बोथ डन, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब जो मिल्क ले रहा है वो टी नहीं ले रहा, मतलब अगर मिल्क आ सकता है तो सर कॉफी वाले के साथ आ सकता है, हाउ मेनी परसेंट अटेंडेड द पार्टी 50% टुक मिल्क, तो चलो मिल्क की अगर मैं बात कर भी लूं भाई कि 50 ने मिल्क लिया है, ठीक है, नो नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, नहीं हो सकता कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसमें, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज मुझे मिल्क वाले का कुछ पता ही नहीं है, मुझे मिल्क वाले का ये नहीं पता रहा कॉफी के साथ है या कितना है ये भी तो नहीं पता मेरे को, समझ आ गई, तो कोई किसी भी सिचुएशन में इसको बता नहीं सकते। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखो मतलब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलो भाई कैसे करेंगे, मतलब अगर आपने एक लिया तो अगली टर्म कौन सी आएगी 11 आएगी क्योंकि 10 लेनी है, ठीक है, आपने दो लिया तो क्या आएगी 12 आएगी, तीन लिया तो कितनी आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दो आएगी, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दो आनी चाहिए, 12 है ना टोटल, कुछ है तो नहीं क्या मेरा, तीन लिया तो मेरे हिसाब से एक आनी चाहिए, एक कम एक, चार लिया तो कितनी आनी चाहिए दो, पांच लिया तो कितनी आनी चाहिए तीन, छह दिया तो कितना आना चाहिए चार, सात के साथ आनी चाहिए पांच, आठ के साथ कितने आने चाहिए, सात के साथ पांच, आठ के साथ छह, नौ के साथ और आपका दस के साथ क्या आनी चाहिए आठ, ग्यारह के साथ क्या आनी चाहिए नौ, बारह के साथ क्या आनी चाहिए दस, क्या यही बनेंगे करके देखिए, क्या यही बनेंगे मेरे पास, बिल्कुल सही, तो कितने आ गए
तो कितने आ गए ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक के साथ एक, 1 to 10, 2 to 11, अच्छा मैंने उल्टा ले लिया इसको, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स, अच्छा ठीक है, इसका मतलब एक के साथ कितना आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, मुझे क्वेश्चन में ये तो दिया है कि 10 लेनी है, अच्छा ठीक है मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, 1 से 10, 2 से 11, 3 से 12, कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल जी, अब तो ऐसे होना चाहिए, देखो 4 के साथ 1, ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के साथ कितना आएगा, 10 1 2 11 3 12 4 1, तो 5 के साथ कितना आएगा, 1 2, देखो इसका मतलब क्या, 1 से लेकर 10 तक मुझे काउंटिंग्स करनी है, 2 से 11 4 से 1, तो 5 के साथ 2 आएगा, यस और नो, डन, 5 के साथ मेरा 2 ही आना चाहिए, देखो 6 के साथ 3, 7 के साथ कितना आना चाहिए फिर मेरा 4, अच्छा 8 के साथ कितना आना चाहिए मेरा 5, 9 के साथ कितना आना चाहिए 6, 10 के साथ 7, 11 के साथ 8 और 12 के साथ 9, इसके इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सही था बच्चे का आंसर, है ना, चलिए भाई, दैट वॉज ऑल अबाउट योर सी सेट एग्जाम, तो एग्जाम बहुत लेवल का था स्टूडेंट्स, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लीज 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 मत भूलिए, थैंक यू।